जिस शनि मंदिर की वजह से शनि शिंगलापुर के घरों में दरवाजे नहीं हैं, उसी में लूट का खेल हुआ है। 62 की जगह 1800 कर्मचारी नियुक्त करने का आरोप लगा है। मंदिर के चबूतरे पर जाने के लिए 500 की रसीद काटी गई और पैसा निजी संस्था को गया। 24 घंटे बिजली, फिर भी हर महीने 40 लाख डीजल पर खर्च। आखिर शनि शिंगलापुर देवस्थान के घोटाले का सच क्या है? आखिर किसकी शय पर घोटाला हुआ? रिपोर्ट में शनि शिंगलापुर में वसूली का सच जानिए। जिस शनि शिंगलापुर के घरों में दरवाजे नहीं, वहां के मंदिर को कौन लूट रहा? देवस्थान के अंदर ही कर्मचारी किसकी शय पर घोटाला कर रहे? आखिर क्यों डिप्टी सीएम फडणवीस को भ्रष्टाचार की जांच का आदेश देना पड़ा? महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसकी वजह से इस गांव के घरों में दरवाजे नहीं है, ना ही कहीं ताले लगते हैं, घर ही नहीं, बैंक में भी दरवाजे नहीं, आज तक कोई चोरी नहीं हुई। लेकिन जिस शनि मंदिर की वजह से ये जगह खास, वहां पर ही लूट का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निवासा तालुका के एक गांव का नाम है। ये गांव भगवान शनि के अपने लोकप्रिय मंदिर के लिए जाना जाता है। शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में मान्यता है, यहां शनिदेव स्वयंभू हैं। यहां शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में होती है। ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत के दौरान कुछ चरवाहों को ये काली मूर्ति मिली थी। कहते हैं यहाँ पर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, यदि कोई ऐसी जरूरत करता भी है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर वानखुले ने विधान परिषद में शनि शिंगणापुर में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। वामन कुले ने बताया कि शनि शिंगणापुर देवस्थान में भ्रष्टाचार का ये मामला साल 2022 का। उन्होंने कहा कि मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों से मिलकर आया हूँ। भ्रष्टाचार के कई उदाहरण, कुछ के बारे में भी बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इन चार तरीकों से भ्रष्टाचार कर करोड़ों की लूट हुई। शनि शिंगणापुर इस संस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप 2022 में लगे हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं जाकर मिलकर आया हूं। जब उप मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे, तब 2018 में शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट कानून हमारे दोनों सदनों ने पारित किया था, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस शनि मंदिर में कर्मचारी कितने होने चाहिए? नियम के अनुसार 62 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन 1800 कर्मचारियों को नियुक्त किया है और घर बैठे उन्हें वेतन दिया जा रहा है। इसमें से सिर्फ 12 कर्मचारी सही मायने में काम पर आते हैं। ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। शनि मंदिर में नियम के अनुसार 62 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन शनि शिंगणापुर देवस्थान में 1800 कर्मचारियों की नियुक्ति किया। इनमें से सिर्फ 12 कर्मचारी काम पर आते हैं, यानी बचे हुए 1788 लोगों को घर पर बिठाकर वेतन दिया जा रहा है। मंदिर के चबूतरे पर जाने के लिए 500 रुपए की रसीद बनाई गई, लेकिन रिसीट बुक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नहीं छापी गई, बल्कि निजी तौर पर रिसीट बुक छापी गई और घनेश्वर नाम की निजी संस्था को ये पैसा डाइवर्ट किया गया। करीब 2 करोड़ का भ्रष्टाचार इसमें किया गया। इसका एक भी पैसा मंदिर को नहीं मिला। शनि मंदिर परिसर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध, इसके बावजूद हर महीने 40 लाख का डीजल बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। इसे जनरेटर चलाने के लिए खर्च में दिखाया गया। मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया था। हालांकि 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 50-60% काम अभी भी बाकी। जिस शनि मंदिर की वजह से शनि शिंगणापुर गांव में कभी चोरी नहीं हुई, वहां मंदिर के पैसों में ही चोरी की बात होने लगी। इसी के चलते महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष वामन कुले ने कहा कि जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे,
तब 2018 में शनि सिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट कानून दोनों सदनों में पारित किया, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ होता तो भ्रष्टाचार की नौबत नहीं आती। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में जांच की मांग की। 2018 में बने मंदिर ट्रस्ट का कानून को अमल में लाया जाए, एंटी करप्शन ब्यूरो या किसी सक्षम अधिकारी से भ्रष्टाचार के मामले की जांच कराई जाए। मंदिर ट्रस्ट को पिछले 10 सालों में कितना डोनेशन मिला उसकी जांच होनी चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। 52 कुले की मांग के बाद विधान परिषद में जवाब देते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनि सिंगणापुर शनेश्वर मंदिर में भ्रष्टाचार की जांच करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंदिर को मिले पैसे का ऑडिट भी कराया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। शनेश्वर देवस्थान के सभी लेन देन का ऑडिट किया जाएगा। मंदिर न्यासी अधिनियम 2018 को लागू किया जाएगा। पड़े सन्मान्य बावनकुळे साहेबांनी या ठिकाणी दोन मागण्या ज्या केलेल्या आहेत, पहिले तर या संस्थांचं स्पेशल ऑडिट केलं जाईल, दुसरं सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला पाठवून या सगळ्या तक्रारींची चौकशी त्या ठिकाणी केली जाईल आणि आपण 2018 कायदा तयार केला आहे। शिर्डी आणि पंढरपूर प्रमाणे शिंगणापूरचं जे देवस्थान आहे त्याचा ऍक्ट दोन्ही सभागृहाने मंजूर केला आहे, परंतु तो अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही। ते माननीय मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून लवकरात लवकर तो ऍक्ट, कारण त्याला आपला अपॉइंटेड डेट फक्त नोटिफाय करावी लागते, त्या दिवशीपासून तो कायदा त्या ठिकाणी अस्तित्वात येतो। दुर्दैवाने तो काही येऊ शकलेला नाही, तर माननीय मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून त्याची अपॉइंटेड डेट ही लवकरात लवकर नोटिफाय करण्यात येईल। स्थानीय नेता इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे। दरअसल नेवासा के मौजूदा विधायक शंकर राव गड़ाख जो निर्दलीय विधायक है, लेकिन उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना गुट के साथ गड़ाख उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री भी रहे। स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व विधायक बाला साहेब मुस्कुटे के साथ इसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। साल 2022 में भी बीजेपी नेता बाला साहब मुरकुटे ने मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए थे। सामाजिक कार्यकर्ता ऋषिकेश शेटे पिछले कई महीनों से शनि सिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कर रहे। पिछले महीने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बामन कुल ऋषिकेश से उनके आंदोलन स्थल पर मिले और भ्रष्टाचार की जानकारी ली। मौजूदा उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के साथ विधायक शंकर राव गड़ाख के कार्यकर्ता शनि सिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट में पदाधिकारी, एक तरह से शंकर राव की इस मंदिर ट्रस्ट पर कब्जा है। बीजेपी नेता बाला साहब मुरकुटे इसे अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसी वजह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में अब महाराष्ट्र में राजनीति भी शुरू हो गई। एनसीपी शरद पवार गुट की प्रवक्ता विद्या चौहान ने कहा कि सवाल उठाया कि घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, यह अहम, सरकार इतनी देर से क्यों जागी। ये देवस्थान में ये घोटाला आज नहीं हुआ है, जब देवेंद्र जी फडणवीस खुद मुख्यमंत्री थे, यानी 2018 से ये है कि 1200 कर्मचारी यहाँ पर दिखाए हैं या 1800 कर्मचारी दिखाए हैं, यहाँ घोटाला हो रहा है और यहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं है, इसकी इंक्वायरी नहीं लगी है। जिस तरह से शिरडी संस्थान के उसके लिए नियम है, उसके लिए रेगुलेशंस है, उस तरह से यहाँ भी होना चाहिए। और शनि सिंगणापुर की खासियत ये है कि यहाँ के घरों को दरवाजे नहीं है, यहाँ पर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करती है और यहाँ पर देवस्थान के अंदर ही कर्मचारी और इसमें कुछ घोटाला है, ऐसा अगर कहते हैं तो इसका घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ है। फडणवीस जी के कार्यकाल में ही ये घोटाला हुआ है। वही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस नेताओं बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान ने सवाल किया तो वे इस जवाब से बचते नजर आए। उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दी। सर, शनेश्वर मंदिर का समिति भंग करने की बात की गई है और सचिव स्तर की समिति गठन करने की बात की गई है, डीसीएम ने कहा है।
भंग करने का कारण क्या है मुझे तो मालूम नहीं है। कोई कारण होगा, योग्य कारण होगा तो कोई ये नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं कि सब तरफ जो चल रहा है वो अधिकारों का राज्य चल रहा है, ऑफिसर्स का राज्य। पूरी स्थानीय स्वराज्य संस्था हो या हो, सब ऑफिसर्स लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। लोगों का राज्य चाहिए वो नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति है।